नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी. ओके, सो साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन मैनी मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशंस. ओके, एंड साइबर सिक्योरिटी इनकंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ मेजर्स टेकन टू कीप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड अवॉइड डैमेज ऑफ और थेफ्ट. So it is also used to make data is not misused, extending from personal information to complex government system. जैसा अभी मैंने बताया कि आपने मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जब भी अवेल करें प्रैक्टिसेस, तो आप किस तरीके से सेफ रहे, है ना. तो बेसिकली जिससे आपकी जो कह सकते हैं सिक्योरिटी पार्ट है वो स्टेक पर ना आए. सो साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन मैनी मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशंस. ये अटमोस्ट कंसर्न है बैंक्स का. ठीक है, जब तक आप कह सकते हैं सेफ ट्रांजेक्शन कस्टमर को नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बढ़ेगा और आपके कह सकते हैं कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी है और साथ में आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करानी है. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. ठीक है, कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन भी उनको दे रहे हैं और साथ में आप जो है उनको कह सकते हैं कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करा रहे हैं. ठीक है, दोनों चीजें एक साथ बैलेंस करना बहुत कह सकते हैं टीडियस टास्क है. सो साइबर सिक्योरिटी इनकंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ मेजर्स टेकन टू कीप इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड अवॉइड डैमेज और थेफ्ट. तो जनरली जो हम साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहेगी और उसमें किसी भी तरीके का डैमेज या थेफ्ट नहीं होगा. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड जो नंबर है वो कहीं पर आप किसी जैसे अमेजन पर आपने यूज किया, तो आप क्या करते हैं उसी में सेव करके आता है ना ऑप्शन की डू यू वॉन्ट टू सेव इट. तो आप अगर उसको सेव करना चाहते हो तो आप वहीं पर सेव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन. तो फर्दर नेक्स्ट टाइम जब आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो वो पूरा नंबर आपको दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब उसका चैलेंज इस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर जिस पोर्टल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप उस पर आप कितना ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, और फर्दर वो कितना कह सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है. ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है. तो बेसिकली यही पॉइंट है टू कीप द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन प्राइवेट. जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने उस पर्टिकुलर पोर्टल में लॉगिन करी है तो वो प्राइवेट हो, जिस और एंड अवॉइड द डैमेज एंड थेफ्ट, और इस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोटेक्टेड रखें. ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई हैकर या क्रैकर जाकर के और उसको स्टील कर ले. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज टू मेक डाटा इज नॉट मिस यूज. और आपको क्या है कि बेसिकली इंश्योर करना है कि जो आपका डाटा है वो मिस यूज नहीं होगा एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम. ठीक है, अभी आप देखिए तो बीच में ये था कि सारे जो बैंक्स हैं, ठीक है, सभी अकाउंट्स को आधार से लिंक करवाना जरूरी है. ठीक है, फिर उसमें कुछ लोगों ने सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू उठाना शुरू किया कि अभी हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर नहीं है. ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी स्टे लगा दिया कि नहीं ऐसा जो, लेकिन काफी कस्टमर्स हैं जो कि करा चुके हैं, उससे आधार से लिंक करा चुके हैं. ठीक है, तो ये सब है कि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इसके बारे में लानी पड़ेगी. ठीक है, तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू डिवाइज अ यूनिफॉर्म एंड रेगुलेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग दिस साइबर सिक्योरिटी, अगर आप इससे डील करना चाहते हैं. ठीक है, तो थ्री मेन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स कैन ऑकर. अगर आप देखें बैंकिंग सिस्टम में तो ये तीन मेन टाइप ऑफ साइबर अटैक हैं जो कि ऑकर करते हैं. फर्स्ट इज बैकडोर अटैक. बैकडोर अटैक क्या होता है, इन विच थीव्स एक्सप्लॉइट अल्टरनेट मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग अ सिस्टम दैट डज नॉट रिक्वायर द यूजुअल मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन. ठीक है, अल्टरनेट मीन, जैसा कस्टमर आप जैसे लॉगिन करते हैं वैसे ना लॉगिन करके कोई अल्टरनेट मीन निकाला और उसके थ्रू आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया. सो सम सिस्टम्स हैव बैकडोर बाय डिजाइन. ठीक है, अब जनरली जब आप कह सकते हैं ऐप डिजाइन करेंगे या अपना जो नेट बैंकिंग सिस्टम है उसको डिजाइन करेंगे, तो समटाइम्स डिजाइनिंग के दौरान कुछ अगर लूप होल्स रह जाते हैं, बैकडोर्स रह जाते हैं, ठीक है, तो दैट मे कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल एज योर बैंक ऑल्सो, या किसी एरर की वजह से, किसी गलती की वजह से रह गए हैं. ठीक है, तो ये डिजाइनिंग का लूपहोल हो सकता है या कुछ किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी कुछ है, कैसी रह गई, वीकनेस रह गई है जो कि आप नहीं ओवरकम कर पाए हैं. ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि आप कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं और वो मना हो गई. ठीक है, अटैक प्रिवेंट द राइटफुल यूज फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, thieves might enter a wrong password enough time that the account is logged. ठीक है, तो जनरली क्या है कि
जैसे होता है ना कि आपका अकाउंट 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, तो किसी दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने गलत पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, कई बार डाल दिया, तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए लॉक कर दिया गया, तो दैट इज वॉट डिनायल ऑफ सर्विस, आप खुद ही उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट एक्सेस अटैक इंक्लूड्स द बग्स एंड वायरसेस, ठीक है, जनरली जो आप ये आपने देखा पोस्ट मैसेजेस के फॉर्म में, ठीक है, या कुछ एक तरीके से प्रमोशनल ईमेल या थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो इसमें ये अटैक देखने को मिलता है, डायरेक्ट एक्सेस अटैक, ठीक है, तो इंक्लूड्स बग्स एंड वायरसेस एंड विच गेन एक्सेस टू द सिस्टम एंड कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन एंड और मॉडिफाई इट। तो जनरली आपसे बोला जाता है कि इस तरीके का कोई भी प्रमोशनल ऑफर, प्रमोशनल मैसेज या मेल अगर आपको आता है तो डोंट रिस्पॉन्ड दीज मैसेजेस, सिंपली डिलीट इट, ओके, अदरवाइज इट विल हैव बग्स और वायरसेस एंड दैट विल गेन एक्सेस टू योर सिस्टम एंड कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन एंड और मॉडिफाई इट। सो दीज आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी पार्ट। Okay, so this is all about the basic introduction of mobile banking. So if you have any query or doubt regarding this topic, you may ask. This is your textbook that you may refer for further study. And these are some of the blocks that I have found suitable for your further study. Okay, so you may access these blocks also. Okay, so thank you. If you have any doubt or query regarding this point or this topic, you may ask.